जहां एक ओर सूबे की खट्टर सरकार समान विकास का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिनों जींद में रोहतक रोड की खस्ता हालत है और आए दिन सड़क पर गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोहतक रोड ने बीते दिन एक बूढ़ी माँ की जान ले ली। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल लाया गया। परिजन व जिंद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल की माने तो इससे पहले दर्जन लोग इस मौत की सड़क की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने लोग अपाहिज हो चुके हैं। इन सब मौतों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है और मांग की है कि संबंधित विभाग के अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। आज मेरी माता जी का जो देहांत हुआ है वो सिर्फ इस रोड की वजह से हुआ है। यहाँ कच्चा रास्ता होने के बावजूद भी गाड़ी वाले तेज गति से चलाते हैं, वो उनसे खड़े में वो जो पैदल सवारी चलते हैं उनका पता ही नहीं चलता और वो सवारियों को भी ठोक देते हैं। तो आज जो ये हादसा हुआ है ये सिर्फ रोड के कारण हुआ है। इस रोहतक रोड का इतना बुरा हाल है, यहाँ एक नहीं कई एक्सीडेंट हो गए और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ इसको जल्द से जल्द ठीक करा जाए ताकि किसी को मौत से बचाया जा सके और इस गाड़ी वाले को भी तुरंत जल्दी कार्रवाई की जाए। रोहतक रोड की सड़क मौत की सड़क बन चुकी है, यहाँ दर्जनों हादसे हो चुके हैं। आज भी यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है। 65 साल की एक बुजुर्ग माता जब इस सड़क को पार कर रही थी तो एक वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन जिम्मेवार है। 3 साल से यह रोड खराब है, 2 किलोमीटर का ये एरिया है मात्र, और 3 साल से इस रोड को प्रशासन नहीं बना रहा है। और आज जो बूढ़ी माता का जो निधन हुआ है, जो दुर्घटना में मारी गई है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। और हम प्रशासन से ये मांग करते हैं, इसके लिए जितने भी PWD के डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जिम्मेवार हैं और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जानकारी के मुताबिक 65 साल की बुजुर्ग भतेरी देवी इस रोड पर पैदल अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही थी, तभी पीछे से उबड़ खाबड़ रोड पर एक तेज स्पीड से आ रहे कंटेनर ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। इस बूढ़ी माँ की मौके पर ही मौत हो गई। अब लोगों का कहना है कि पिछले 3 साल से ये सड़क पूरी तरीके से बदहाल है। सड़क इतनी खंडहर हो चुकी है कि यहाँ लगातार सड़क दुर्घटनाओं से हादसे होते हैं और इस सड़क की वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अगर प्रशासन समय रहते सड़क का निर्माण करवा देता तो इन हादसों पर रोक लग सकती थी, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही और सड़क पर मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी TV।